नवाज टीवी के प्रोग्राम दी एज विथ मोहसिन बबर में अवे भलकार प्रोग्राम की शुरुआत एकड़ी इंट्रस्टिंग स्टोरी से कदी अजो के इन सेगमेंट में उनके थोड़ा टच दें तो अंदाजो लगे सको था किएं असो सिस्टम वर्क करे तो थे ये कुछ दिन अग इंग्लैंड की टीम आयल हुई पाकिस्तान पिंडी में उनो मैच हो पुलिस वालों की ड्यूटी लगल हुई उते हथियार जो पुलिस जो सिस्टम आ हथियार जन इशू थी पुलिस वा ड्यूटी दिंदा वो हथियार वापस पैं इदारे में किथे न किथे सिस्टम ठहल उनमें जमो कराइंदा इंग्लैंड में इंग्लैंड की टीम के ड्यूटी देनी हुई उनमें जैकेट भी हुई जी होंगी पुलिस की उनके एस एम जी सब मशीन गन जी है वह भी देनी हुई उत्ते पुलिस वारन के उनके भी कमांडोज होंदा उनके गन्स वगैरह दिन्यू इशू क्यों तो जी ड्यूटी कन उनमें एकड़ो मानू अचे तो उत्ते अची हु पहिंजी जिका है गन रिसीव करे तो नेम प्लेट भी दिखारे तो पुलिस वारी जी को नंबर शंबर पुलिस जो जो होंदो कांस्टेबल नंबर वो भी दिखारे तो गन इशू कराए तो वेपन इशू कराए तो जैकेट इशू कराए तो हले तो वे बाद में खबर पई तो एकड़ी गन मिसिंग है एकड़ो जैकेट उत्ते मिसिंग आयो केड़े मानू के वही खबर पई इन मानू के थी है उन्हीं गन से कुछ दिन का पो इस्लामाबाद में एकड़ो सिंगल मानू वो एकड़ो सिंगल मानू जैंखे या पुलिस वारो हो या को प्राइवेट मानू हो उन्हें चयो वे तो मुबीना तौर पर चार बैंकों में धाड़ा हया मुख्तलिफ वक्त में चार बैंकों में धाड़ा हया पास मू जख्मी कई शायद एकड़े के शहीद भी करण जहाँ इतला है उतने कुछ मानू जख्मी कई बैंक अमले के भी उतना पैसा वे पैमाने से खड़ी बाजार निकरी वो उन मानू अकेलो हो उन सागी एस एम जी टाइप गन हुई चयो वे तो यह सागी गन है पुलिस पारा इशू कई वही हुई उन आराम से ये कार्रवाई क्यों हल इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सिचुएशन ये असं सिंध में ज़रूर पुलिस से भी तनकीद कंदा आयूं इन हवाले से बिल्कुल गाल बोल कंदा आयूं पर ऐसो एकड़े मानू किए प्लानिंग करें जी फिल्मन जा ये हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मन जा सीन होंदा किए एकड़ो मानू सी प्लानिंग कंदो उन एकड़े मानू या प्लानिंग करें ये सजो सिलसिलो अगते वधायो हिंसर वो मानू गायब पुलिस इन गोल्हे पई जैं एस आई तरफा गन जी है वह जारी कई हुई उनके भी गोल्हे पे वे हि सूरत नंढो वाक्यो है पर रिफ्लेक्ट करे तो सिचुएशन उन्होंने मानू ड्रामाई अंदाज में यह कार्रवाई पैंजी इस्लामाबाद में अमल में आती गोला कई पी वे खुदा करे पुलिस को मानू मिली वे जिन हथियार इशू किया उनके हवाले से भी गाल थे नाजरीन हाँ हलूँ था पी आई ए के मामले पी आई ए के मामले में इंट्रस्टिंग सिचुएशन थी हुई है जी ही बोली 10 अरब रुपये की लगी एक प्राइवेट फर्म था बिल्डर तरफा इस्लामाबाद जो बिल्डर है उन्हीं तरफा लगी उनका अज प्रेस कॉन्फ्रेंस कई है खानगी शोबे जो जो इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेटाइजेशन जो वफाकी वजीर अब्दुल हलीम खान साहब वो एनएचए जहाँ कम्युनिकेशन जहाँ वजीर बन पर उन्होंने अज वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस कई है उनमें उन काफ़ी अहम गालू क्यों चवे तो मुझे वास्तव ना है इन मामले से पर बहरहाल उन थोड़ा क्लिप्स दिखार तमाम अहम है उनका उन मामले से थोड़ा पा गाल बोल क्यों था क्लिप्स थोड़ा दिसो अस पीआईए के बारे में एक फ्रेमवर्क निगरान सेटअप में बना था। पहली बात तो ये पीआईए चलाना मेरे जिम्मे नहीं लगाया गया, मेरे सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी बराए मेहरबानी सारे अपने अपने घरवालों में जाके मुझे वो भी समझा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के जो मेरे से पहले वजीर रह चुके। ये हमारा कौमी एसेट है, मैं इसको औने पौने नहीं बेच सकता। कल मैंने मियां साहब की वो सुनी, अगर पंजाब हुकूमत इसको खरीदना चाहती है तो बिस्मिल्लाह, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर केपी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत मिलके लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज है। अगर वो उस प्राइस के ऊपर आते हैं तो हमें कल प्रपोजल भेज दे, हम काबीना में ले जाते हैं। अगर पीआईए को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना पड़ा हम वो भी देखेंगे। कईयों ने कहा सेल्स टैक्स खत्म करे नए जहाजों के खरीदने, तो मैंने उनको कहा कि अगर हम सेल्स टैक्स खत्म करेंगे हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, लेकिन हम जब अगला फ्रेमवर्क बनाएंगे तो हो सकता है जी नाजरीन तुम ये क्लिप दिठा अब्दुल अलीम खान साहब फरमायन था असो को वास्तव को निगरान हुकूमत सब कुछ करे वही फ्रेमवर्क कानून है उनके तहत सब शुभ ठीक अस कानून के तब्दील तो करूँ था फ्रेमवर्क अस अमल दरामद करो पव उन हिसाब से रुगो एकड़ो बिडर आयो हो वो जो ब्लू वर्ल्ड जो जो ग्रुप जो जो मालिक है वही ब्लू वर्ल्ड ग्रुप वारा आया हुआ उन्होंने 10 अरब की बोली लगाई है उन्हें 10 अरब की बोली के हाँ खबर ना कंसिडर कंदा न कंदा बहरहाल उन जन ही बोली आई तो उन कुछ धुरियों एक्टिव थी सूबाई हुकूमतों एक्टिव थी सभी का पैं के पी जी जी
सूबाई हुकूमत आए उन्होंने ख़त लिखो फेडरल गवर्नमेंट के पी आई असा डो असा खरीद कर तैयार आयो पर तहां वट असा बटी अरब रुपया रॉयल्टी के मद में मौजूद हैं तो ये लगे ये थो तो ये सौदो कर चाहन था तो ये बटी अरब जो तक दियण चाहो था उन में असा एयरलाइन दई छो अस पाण हलूँ एक तो यो है मामलो बो वरी नवाज शरीफ साहब जो पी एम एल जहाँ सर्वर आज उन तरफा एक स्टेटमेंट आई है तो अस कंसिडर क्यों पाया त एयरलाइन के खरीद क्यों या बी नई एयरलाइन आणियों जिनों नालो हों एयर पंजाब उन नाले से अस आणियों उन्हीं में अस उन कंसिडर कर सो तो सी एम पंजाब के है नवाज शरीफ साहब चवन था इनते कंसिडर कन अज जका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जका मिनिस्टर औरंग मरियम औरंगजेब साहब आ सीनियर वजीर पंजाब जो उन्होंने स्टेटमेंट आई है चवन थियं तो अस पी आई ए खरीद करो असो इरादो ना है पर असी एयरलाइन ठाण लाइ कोशिश तैयार कर कोशिश कर फिजिबिलिटी रिपोर्ट ठे पी उनमें पंजाब हुकूमत जहाँ भी शेयर हूँ प्राइवेट सेक्टर में शेयर हूँ प्राइवेटली उनके हल्दी बेहतरीन एयरलाइन अस वारा यो चवण हो पंजाब हुकूमत की मरियम नवाज साहिबा जो के पी जो अची वो पंजाब हुकूमत जो ओपिनियन अची वो अब्दुल अलीम खान साहब जहाँ अज कई है प्रेस कॉन्फ्रेंस उनमें तो असंखे सूबे तरफा खत मिलो है पंजाब की स्टेटमेंट असान सामू है तो छो न सूबा गर्जी पाकिस्तान की एयरलाइन के वही हलन प्राइवेट हलन ही हली सके थी इनके प्राइवेटली खरीद कन इन हलन सूबा चार ही सूबा वी इनके हलए सकन था ही उन्होंने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रपोजल आयो है सिंध हुकूमत कैं इंट्रस्टेड है बलोचिस्तान हुकूमत केतरी इंट्रस्टेड है ये खबर ना है हाँ चवन तो इन पी आई जो बेड़ो बोड़ो ही गुजरल हुकूमत है उनमें वो पैं हुकूमत के भी रगड़े वह तो पो जी भी हुकूमत रही उनो नालो वन बिना सभी के चई वन ये सब जिम्मेवार पंजवी निजकारी जहाँ वजीर आया चे तो सब जब जिम्मेवार पी आई के तबाह कर में हाँ मुख्य रुग जिम्मेदारी विक्रो कर मिली है मां न खरीद क्या पो ना ही मांो मुम कानून मूजिब उनके सेल करना है वो असं सेल क्यों पाया उनमें बोली आई तो उनके दिसंदासी अजन गौर क्यों पाया इन मकसद यो तो हि जो 10 अरब रुपये की बोली है इहा का मैच्योर न थी सकंदी या रीबिड थियण जो इम्कान जाहिर कर पे वे उन कंसिडर किया वो करो है तो पी आई ए जो भी मसलो वो मसलो थी है हुकूमत लाइ निजकारी कर बीड़ी अहम गाल थोड़ा समझण खपे तो पी आई ए काफ़ी सारा एसेट्स हुआ वो उन्होंने अलग से धार कंपनी ठाया उनके दई छा जो पी आई ए होल्डिंग कंपनी चवन था तो लगभग चवन था 600 अरब रुपये जो वो होल्डिंग कंपनी में वो पार्क कह वह वो होल्डिंग कंपनी जी पी आई जी है उनका शेयर भी मार्केट में फ्लोट थे वो भलन पाया था तो उनका शेयर भी काफ़ी मथे वन पाया काफ़ी तेजी से मानू उनके वन पाया तो होल्डिंग कंपनी जो है उनका शेयर 600 अरब रुपये का दई बाकी जो कुछ हो पी आई जो कुछ बचो है ऑपरेशनल जहाज वहाज हलंदा ही बी शूँ ये इन सेल किया पे वे हाँ उनकी जाहिर कीमत घट हूँ वो 85 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन कमीशन है उन्होंने एवेल्युएट किया हुआ तो ही 85 अरब में हलो वे जर पी आई ए तो तरह ठीक थी वो तो 85 अरब की जाए तो रुगो 10 अरब रुपये की बोली आई न लोकल का कंपनी आई न का बाहर की कंपनी आई तो हाँ उनके दिसूं तो इन कंपनी के बिड के वो यो कानूनी मामलो है इनके दिसंदा बिड के खत्म कंदा नई बिड इंदी यो हाँ चेक किया वे पो उन कंसिडर अलीम खान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कई उन्होंने एन एच ए जहाँ वजीर तो उन्होंने एक बी गाल कई उन्होंने एन एच ए जो मुनाफो 50 अरब साल अस पाकिस्तान की तारीख में कदें ना थो असो जो पोर्टफोलियो 64 अरब हाँ 110 अरब से हलिया व्यय तो असो एन एच ए की परफॉर्मेंस तमाम बेहतरीन आई साल में पेरों भेरों इन साल में पेरों भेरों थो आई है तो एन एच ए 65 अरब रुपया कमाया तो साई जन अर्ज है तो सिंध जो स्कीमू तबाह करें कराची हैदराबाद सखर मोटरवे तबाह करें उत कई भी स्कीमू न जुड़न रोडन सिंध के जो मेन रोडन इंडस हाईवे असो केटी बंदर वो हाईवे कोस्टल हाईवे जिनके थोड़ो घो चवन था उनका बया कुछ हाईवे उमरकोट का मीरपुर खास जो हाईवे 90 किलोमीटर जो उन्होंने ठाण हो उन्होंने वो न ठा बया काफ़ी भी अड़ा नंढा नंढा प्रोजेक्ट्स सिंध जो रिसोर्स जो सिंध की सहूल सिंध के हकन जो जो रोडन के हवाले से घट में घट रत चूसे 50 अरब रुपया एन एच ए कमाया हाँ चवंदा असा वा पैसा बचाया माना नंढन सूबन खर्च को 8-8 मोटरवे पंजाब में ठही वा के पी में ठही वा पर सिंध के जैसे वो इंदो तो बुझा इतने खर्च ही को क्यों असो है
चौहठ अरब रुपया बचाया है। यह सूरत हाल जो पान पी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए उतना अग्न रखी सी पी आई जो सिस्टम तक रखी सूँ अगर वो ब्रेक ब्रेक का हल्दी लाहौर लाहौर में जो स्मोक की सूरत हाल शदीद थी वे पी हर साल थी है इन दफे शदीद थे पी उन तक अपडेट क्यों था ब्रेक का जी नाज़रीन वेलकम बैक हाँ अल्लासी लाहौर लाहौर में स्मोक की सिचुएशन जो होंगी है वह नवंबर दिसंबर जनवरी में शदीद थी वी है सजो कार व्यवहार जिंदगी जो है वह मुअत्तल थी वो रुगो ढी के कुछ आवर्स में कम थी सको है पर स्कूल्स भी कदें कदें बंद थी वा रोड रस्तन से कुछ नजर ना आंदो शाम का मू घर भेड़ा थी वा कारोबार घर फैक्ट्रियों सजो सिस्टम मुंजमित थी वो है इन हवाले से गुजरल साल भी पंजाब हुकूमत काफ़ी कोशिश कई तो इन मसले के मुँह दई सकते इन भरे भी नोटिफिकेशन कड़ी कुछ वक्त लाए इन कुछ एरियाज में बैन आया इतने धुएं जो इस्तेमाल है बी शूं नी सदी पर बहरहाल ये कोशिशों जारी आन मुझे जॉइन किया लाहौर में सीनियर जर्नलिस्ट नूरुल्ला उन्होंने वहाँ तफसील वूँ तो उत्तर सिचुएशन है। नूरुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपका आप लाहौर से हमें ज्वाइन किया। ये स्मोक की सूरत हाल जो है ये आप समझ रहे हैं कि ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है अब ये शायद कंट्रोल से बाहर हो रही है और उसको करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव पंजाब हुकूमत ने लिए हैं लेकिन कितने कारगर कितने ऐसा असर हुआ है ये आप हमें ज़रा बताइएगा। देखें बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस टॉपिक पर बोलने का मौका दिया है। इशू ये है कि ये बड़ा सीरियस इशू टॉपिक है जिसपे दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ शहर इन मसाइल को फेस कर चुके हैं तो हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अब पाकिस्तान में आप देखें कि लाहौर दुनिया में नंबर वन पर जो है स्मोक का शिकार शहर है पोल्यूशन के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ज्यादा हैरान कन बात यह है कि इस्लामाबाद हमारा शहर जो बाहर ग्रीन शहर कंसिडर किया जाता है और बड़ा प्लैंड शहर है वो भी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया स्मोक के हवाले से। तो इसका मतलब है ये सिर्फ कोई एक दो फैक्टर्स ऐसे नहीं है, मसलन जैसे हम पंजाब के लिए लाहौर के लिए खासतौर पे बात करते हैं कि शायद हिंदुस्तानी पंजाब से स्मोक जो आती है फसलों को जलाने का धुआं जो है उसकी वजह से ये चीज हो जाती है। सिर्फ ये वाहिद इशू नहीं है, मल्टीपल इशूज हैं जिनकी वजह से ये मसला बन गया और ये बड़ा गंभीर किस्म का मसला है जिसमें तमाम लोग सफर कर रहे हैं और लाहौर में तो बहुत ही बुरा हाल है, खासतौर पर सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो कि लोगों के दफातर को जाने का टाइम है या बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है और इसी तरह इवनिंग में ये मसला ज्यादा सीरियस हो जाता है। अच्छा, उसके लिए कुछ इब्तदाई जो है कोशिशें हुकूमत की वो कामयाब भी हैं जिसके लिए स्कूलों का मसलन टाइम चेंज किया गया है, सर्टन एरियाज को ग्रीन उसमें लॉकडाउन में लाया गया है, वहां पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का जो दाखिला है वो ममनू किया गया है, इस किस्म के स्टेप्स लिए हैं लेकिन ये बड़े शॉर्ट टर्म स्टेप्स हैं और इस पे महदूद पैमाने पर इससे फायदा उठाया जा सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसकी अलग से करनी होगी और उसके लिए भी हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। मसलन अमेरिका में एलए जो है लॉस एंजलिस वो इसका शिकार रहा एंड इट टुक देम 20 ईयर्स, 20 साल लगे अमेरिका को इस मसले को हल करने में। लेकिन अगर हम उसकी करीब तरीन और ज्यादा बेहतर मिसाल देखना चाहें तो वो चाइना में है। चाइना में बेजिंग और चेंगडू, अगर सर मैं इन दो शहरों को मिसाल के तौर पे आपके साथ डिस्कस करूं तो ये दोनों खासतौर पर चेंगडू दुनिया के जो मोस्ट पोल्यूटेड शहर थे उनमें कंसिडर किए जाते थे लेकिन आज चेंगडू दुनिया के जो मोस्ट क्लीन शहर है उनमें कंसिडर किया जाता है। उसके लिए जाहिर है उन्होंने मुख्तलिफ मेजर्स लिए हैं, बहुत से काम किए हैं, वो हमारे सामने हैं तो हमें उन मॉडल्स को फॉलो करना होगा। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म नहीं है कि हम सोचें कि एक मरतबा में या एक सीजन में हम इनको मसाइल को हल कर लेंगे, ये एक दफा के नहीं है। ये हिंदुस्तान से आने वाला धुआं हो या हमारे यहाँ जो हम फसलों को जलाने की बात करते हैं कि किसान अपनी फसलों की बाकियात जो जलाते हैं वो सिर्फ पंजाब में नहीं है, मुमकिन तौर पर बाकी इलाकों में भी हो रहा होता है और वो कोई हिडन भी नहीं है, मतलब वो मेन शाहराएं हैं, मसलन लाहौर का मोटरवे जो है उसके किनारे पर जब ये फसलों की बाकियात जलाई जा रही है तो हमें आइडेंटिफाइड एरियाज हैं, आइडेंटिफाइड लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और साला साल से हो रहा है तो इन चीजों को मैनेज करने की जरूरत है। लेकिन इस पे ज्यादा बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री का रोल है जो इंडस्ट्री से करता। चलो मुझे अभी एक रिसर्च रिपोर्ट मेरे सामने आई थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि कुछ 60% इंडस्ट्री और खुद जो अर्बन पोल्यूशन है जिसमें खास तौर पर ट्रांसपोर्ट की पोल्यूशन है वो भी इसके में बड़ी मेजर कंट्रीब्यूटर है।
तो ये जो इनिशिएटिव्स पंजाब गवर्नमेंट ने लिए हैं, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो एजेंसी है पंजाब की, उनकी तरफ से मैंने नोटिफिकेशन ये देखा था। आप समझते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कर, ये ईपीए जो है, जो पंजाब की ईपीए है, ये एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी इन इकदाम को, और उस वजह से कुछ फर्क भी पड़ेगा इस पर? अच्छा, इसमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो ज़ाहिर है उन्होंने काम शुरू किया है। असल में ईपीए के जो रूल्स है ना, पीपा है, पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वो प्रॉब्ली टूथलेस सा एक एक्ट है, जिसमें उनके पास इतना मार्जिन नहीं है कि वो इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं उसको पोल्यूशन फैलाने से रोक सकें। मैं आपको दोबारा उस तरफ लेके जाऊंगा, चाइना में जो सबसे ताकतवर एजेंसी है काम करने के लिए, वो पुलिस की बजाय एनवायरमेंट की एजेंसी है। उनके पास ज्यादा राइट्स हैं, उनके पास ज्यादा अथॉरिटी है इंप्लीमेंट करने के लिए कानून। हमारे यहाँ जो पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब वो जो केस बनाते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका लेट्स से 100 बिलियन रुपीज का टर्नओवर है, उसको अगर 50,000 रुपये या 5 लाख रुपये फाइन हो जाए साल में एक मरतबा, तो उनके लिए ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। लेकिन आप वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो इतने बड़े टर्नओवर के साथ काम कर रही हैं, अच्छा फिर एक और उसमें इशू आ जाता है कि वो दिन के वक्त मुमकिन तौर पे एहतियात करते हैं कि वो धुआं निकलता हुआ नजर ना आए और उसमें उनका चालान ना हो जाए, तो वो रात के वक्त अपनी शिफ्ट लगा के अपना काम पूरा कर लेते हैं। और वो इंडस्ट्रीज जहां पर टायर जलाए जा रहे हैं, अच्छा आप सीएफसी जो है क्लोरीन और कार्बन जो है, स्पेशली आप ये देखें, वो जो कार्बन और पेट्रोलियम का मिक्सचर है टायर की सूरत में, वो इंतहाई खतरनाक मटीरियल है और वो भरपूर तरीके से जलाया जा रहा है, और हमारी प्रोटेक्शन एजेंसीज के पास इतनी अथॉरिटीज नहीं है। लेकिन डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर, उनके पास अख्तियार हैं, वो 144 लगा के कुछ भी कर सकते हैं, वो तो बड़ा ब्लाइंड किस्म का पावर है उनके पास के एक चीज से जिससे मसला सारे शहर को और सारी इंडस्ट्री को हो रहा है, सारा बिजनेस ठप्प हो गया है, पूरे मुल्क को हो रहा है, सिर्फ एक शहर नहीं। आप ये देखें, आप ये जो चिमनीज आप देखते हैं, इतनी ऊंची चिमनीज जो है, वो इसलिए होती है कि वो पता भी ना चले और बहुत ऊपर धुआं जो है वो हमारी एनवायरमेंट में, हमारे क्लाइमेट में शामिल हो जाए। अच्छा, वो फिर उसका लिमिटेड एरिया नहीं रहता, उसने जो इफेक्ट करना है, जो नुकसान पहुंचाना है, वो अगर लाहौर की इंडस्ट्री है तो वो सिर्फ लाहौर नहीं रहेगा, वो बहुत दूर तक फैलेगा, या वो शेखुपुरा है या कसूर है, कहीं भी है जो इंडस्ट्री, वो उसका असर बहुत दूर तक जा रहा है। मेरा ख्याल है वो डिप्टी कमिश्नर्स के पास जो राइट है या जो अथॉरिटी है 144 वाली, वो काफी नहीं है। इसके लिए हमें बाकी ममालिक में, खासतौर पर उन ममालिक को फॉलो करना होगा जिन्होंने इस मसले से निजात पाई है, जिन्होंने इस मसले को हल समझा जा सकता है। वहां की भी पंजाब हुकूमत इन मसाइल का शिकार है, इंडिया के भी बहुत से शहर शदीद आलूदगी का शिकार है, तो मेरा नहीं ख्याल सिर्फ इस बात से मसला हल होगा। इसमें पहले हमें अपने साइड पर इनिशिएटिव लेने होंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से जिन ममालिक ने कंट्रोल किया, वहां पे इलेक्ट्रिक बसें, मोटरसाइकिलें और ये चिंगची टाइप या धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां और बड़े ट्रक्स और ट्रॉलीज, उनको बैन किया गया। ये सारी चीजें जो तब्दीलियां लानी है, वो हमें पहले अपने तौर पर करनी होगी। इसी तरह शजरकारी के हवाले से बहुत जरूरत है कि हमें उस पर काम करना चाहिए, बजाय हम वो कॉन्क्रीट के ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो तरक्की के लिए वो सारी चीजें अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ जो पैरेलल मेजर्स लेने हैं वो बहुत जरूरी हैं। इससे जो बीमारियां फैल रही हैं, खुसूसन बच्चों में सांस की बीमारियां और दीगर बीमारियां, वो खतरनाक हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट के इकदाम बजाहिर तो लग रहा है कि बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन उस राइट डायरेक्शन में जहां से रिजल्ट्स लेने हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि ये एक सीजन में होने वाला काम मुमकिन नहीं है, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। और असल में मसला ये कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, शायद उनकी मौजूदगी में सियासी हुकूमतों को मसाइल पेश आते हैं, लेकिन सियासी हुकूमतों ने फैसला अल्टीमेटली अवाम के हक में करना है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है लोगों के लिए। साहब, इसमें आपको पिछले साल गुज़श्ता बर्स आपको याद होगा कि इन्होंने स्प्रे कराया था, फजाई स्प्रे भी करवाया था, उसके कोई नताइज मिल सके कोई थोड़े बहुत? वो अगेन वो भी शॉर्ट टर्म है, मस्नूई बारिश जो है वो स्प्रे करके मस्नूई बारिश, वो एक अच्छी उसकी कॉस्ट आती है, लेकिन वो भी एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है और वो करना पड़ता है। और इस मरतबा भी वो प्लानिंग में है, जब मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, उन्होंने कहा वो भी प्लानिंग में है हमारी कि हम मस्नूई बारिश की तरफ भी जा सकते हैं उस स्प्रे के जरिए, तो ये भी किया जा सकता है। लेकिन ये इन चीजों से सिर्फ मसला हल नहीं होगा, ये बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत है, और इसमें पंजाब गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी
दोनों ने मिलकर करना है, बल्कि तमाम हुकूमतों ने, मेरा ख्याल है बाकी सूबाई हुकूमतें जो हैं उन्हें भी ख्याल करना चाहिए। कराची भी कोई बहुत नीट एंड क्लीन शहर नहीं है, इसी तरह हमारे दीगर शहर जो है, तमाम हुकूमतों को फ्यूचर को सोच के करना चाहिए कि आज जहाँ थोड़ा कम है पोल्यूशन, कल वहां और बढ़ जाएगी, तो वो कल आने वाले कल के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए उसको कुछ रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं या उसको बढ़ने दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें तमाम हुकूमतों के लिए चैलेंज है, पंजाब हुकूमत के लिए भी है, फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी है। पंजाब में आप ये देखें कि जो एनवायरमेंट का डिपार्टमेंट है वो मरियम औरंगजेब के पास है। मरियम औरंगजेब साहिबा सीनियर वजीर भी हैं, लेकिन अच्छा ये उनकी स्पेशलिटी है क्लाइमेट पर और इस हवाले से जो उनका काम करने का उनका जो ख्याल है कि वो कर सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उस तरह से काम नहीं हो पा रहा जिस स्पीड से हमें जरूरत है, और हर साल ये स्मोक बढ़ती जा रही है, ठीक है, इसको कंट्रोल करना होगा हमें। जी बहुत शुक्रिया नूरुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा तफसील के साथ जो इनिशिएटिव ले गए हैं, इसके मसाइल, इसके असबाब और इस पर जो रेमेडी एक्शन लिया जा रहा है, इस पर आपने तफसील से बात की। नाज़रीन नूरुल्ला साहब जी तव गाल बोल बुधी त लाहौर जी स्मोक जी सूरत हाल या फैलजे पई या गुजरल साल काफ़ी फैलजी वही हाँ उन्होंने इस्लामाबाद भी टे नंबर शहर थी वो है एंड सो इनके हुकूमतों जो लागापियल उनके कें मुँह दियन तो यह गाल लेकिन नूरुल्ला साहब जी बिल्कुल ठीक है तो जिन इलाकन में मिसाल तौर कराची में या सूरत हाल ये अड़ी ना है पर यह थी सके थी तेजे कर इतने हाँ खा ही स्टेप्स वरता वन हाँ जी वो ब्रेक ब्रेक का एक बे सेगमेंट से गाल बोल कर जी नाज़रीन वेलकम बैक। हाँ असा सिंध में जो सारे जो फसल असाज अपर डिस्ट्रिक्ट में खास तौर से लाड़काने डिवीजन में जो मसलो अस कल भी पेश कियोसी अज उन डिफरेंट एंगल से गाल बोल कंदासी यो सिलसिलो जारी अजा ज़रात खाते तरफा का भी कार्रवाई अस बुधी ना अमल में ना आंदी वही तो वो इन हवाले से एक्शन कन पाया जो भी उनको सबब है वो अजा तुम बुधण में ना आयो पर बहरहाल ही मामले के अस खा रहा बया स्टेक होल्डर इन सारे फसल के हवाले से एक वही इकॉनॉमी है लाड़काने डिवीजन में फ्लोर मिल्स की जो राइस मिल्स राइस मिल्स जो इन सजे के प्रोसेस कन थी सारे के उनका एक्सपोर्ट भी तथा थे तो उनका बो जो इनमें प्रोडक्ट जगह के ठन थी उनके भी प्रोसेस किया वे तो इतना मोको वे तो मूसा गड मौजूद हैं राइस मिल जो सिंध बलोचिस्तान की राइस मिल एसोसिएशन है इन इलाके में उनका जनरल सेक्रेटरी असद अली तुनियो साहब हैं उन्होंने गाल तुनियो साहब वही मेहरबानी तीन तुनियो साहब ही तो मसलो जो सारे जो है इन दफे थो सीजन में असखे सारे नाइन मिली सी तवे जो यूजुअली गुजरल साल खरीद कंदा आयो उनके प्रोसेस कंदा आयो वे में जो सेगमेंट इन्वॉल्व थे पे वो है असो एक्सपोर्ट जो रेट जी तो इंटरनेशनल मार्केट जो वो डिमांड सप्लाई से हल्द इंडिया जो ऑल ऑफ सडन ओपन थियण उनखा पोए मार्केट में बिया कॉम्पिटिटर्स भी जिनको अचान जो है उनके कर मार्केट प्राइसिस हेठल व्यू हैं असखे काफ़ी जो ऑर्डर रिफ्यूज थे एक वजह यही है बी वजह जो असट इन वक्त है तो जो सारियालो फसल है असो उनमें गैर मयारी बिजन के करे क्लाइमेट चेंज के करे काफ़ी जो तो जो एवरेज आउटपुट है वो घटो तो जारी गाल जो मिलर है वो जैसे परचेज कह पाजी सारी के उनको जो आउटपुट है चावर जो उनसे कैलकुलेट कर प्राइस रेट निकलो है तो ये काफ़ी वजूहत हैं जिते गवर्नमेंट के कम करो पव जी असे हार सही रेट दई सूँ साहब तुम्हारा खदशात हिंसर बुधा ये गवर्नमेंट जो कें चैनल थ्रू उन्होंने पहुंचाया आन फॉर्मली इनफॉर्मली तो उन तीन गाल बुधन उनते वेहन गाल अनफॉर्चुनेटली जैसे प्रॉब्लम अची वो सर के मथा तो ही कुछ गवर्नमेंट जो अदारा असा पुछा गाछा कहना पर येट इन वक्त तीन कें भी इनके जो कोई मौकफ न वरतो वजह काफ़ी जो गैर मयारी बुजुर्ग तक बुधा पेस्टिसाइड्स जो जन है जो वो मेन हों असो एक्सपोर्ट के टारगेट करो मेन सोर्स हों जैसे तुम कल्टिवेशन कर रहा हों के सस्तो फर्टिलाइजर मिले तक सस्तो बिज मिले माना जिते भी दुनिया में व्यापार अस व्यापार जो टारगेट्स अचीव करना तो कॉस्ट के बचाई पर बदकिस्मती से असाजे मुल्क के अंदर माफियाँ एतरो वो एक्टिव थी व्यून तो जैसे हारी के भाण की जरूरत पवी तभाण महंगो थी
जने हारी के बिजली जरूरत पंगी आ बिजु महंगो थी वेंदो आ जने पेस्टिसाइड जो टाइम वेंदो आ तो पेस्टिसाइड मतलब बन नंबर ए महंगी मिलंदी आ तो पोसा कॉस्ट असा जी हारी तमाम घणी आ ए यो जारी गाला गवर्नमेंट के ने जला असा सा गद वेई करे तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी ठानी पडी पर ता से ता उनन तरफा राबतो नाए थे जारे गवर्नमेंट कंदी बनाया असा जो ज़राअत खातो को एडो पूरो एक्टिव तसंद जो आहे कोन पर तवां जे तरफा एसोसिएशन तरफा फॉर्मल को उनन के खत लिखे हो जे को मिनिस्टर साहब से मुलाकात थी हुजे को सेक्रेटरी साहब से मुलाकात थी हुजे इन का पहली असा कंदा रहे हूं पर ज़रात का तो 18 अमेंडमेंट का पोए काफी जके शयन वायन उनन जे हथ मसा आइन पर हु असा सा गुजर 10 साल का वटी 12 साल का वटी बिल्कुल कोई भी राबतो असा सा रखण लाए ना उनन कोशिश वरती आ ना असा के कमोट मिली आ जने करे पो असा पाजे बिजनेस के पाजे बुनियाद ते रन करना है ये पता लाए अच्छा सर इनमें तो अहम गाल कही है इंडिया जी इंडिया जो जो चावर है वो इंटरनेशनल मार्केट में अची वो उन्हें खोलो है तो या तो जाहिर है या तो खबर हुई इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने जो राइस अचणो है उन्होंने राइस की क्वालिटी असा केतरी बेहतर है उन्होंने रेट कड़ो मिले तो असा के रेट कड़ो मिले पो इन सबब है सो इंडिया में तक वही गाल चई तो इंडिया जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ या कॉस्ट सेविंग जो मैकेनिज्म वो असा घो बेहतर आँगी पैडी के प्रिक्योर कर पॉलिसी होंगी मिनिमम रेट हों एक्सपोर्ट जो जैसे वो मिनिमम रेट नो मीट थे तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज की किसान के उतर के एक्सपोर्टर के उतर के राइस मिलर के मतलब पूरा वे आउट उत प्रॉपर ठल आ अस ही बिल्कुल भी प्राइवेट सेक्टर आ उनके हवाले मत कोई चेक इन बैलेंस को पॉलिसी को राइस मिलर के किए प्रक्योर करो एक्सपोर्टर के किए प्रक्योर करो हारी के कड़ा कड़ा फायदा देना पॉलिसी होजन घुर्जे कटौत किए थियण ड्रायर किए लगाना पाँच क्वालिटी के किए इंप्रूव करो यो सजो प्राइवेट सेक्टर के हवाले वो जाहिर गाल गवर्नमेंट जो जिस तक चेक इन बैलेंस न रो पॉलिसी मेकिंग नी तो असा आउटपुट्स ओड़ा न कड़ी खिलंदी जी इंडिया जहाँ जी थाईलैंड जहाँ जी वियतनाम जहाँ अच्छा साई ये तो तमाम इंटरनेशनल मार्केट जो वियतनाम थाईलैंड बांग्लादेश इंडिया जन फिलिपाइंस इवन ये तमाम इनके स्टैंडर्ड्स तमाम एक्सपोर्ट क्वालिटी जो होंगी उन बाकायदा स्टैंडर्ड अथॉरिटीज होंदियाँ स्टैंडर्ड उनके मीट करण पवन असट जो इतना माल वे तो जहर उनकी क्वालिटी कंट्रोल चेक लेबॉरेटरीज होंद बायदा असा चेक है यो किथे दुबई में चेक थे तो या रेंडमली चेक थे तो या माल जो राइस है उनकी क्वालिटी जो बायदा चेक किया वे तो साई ॾिसो ॿाहिरीं दुनिया जेका परचेस कंदी आहे जेकॾहिं हू तव्हां सां हिकिड़ो जेको राइस ब्रांड आहे कटी आहे उहा परचेस कंदा आहिनि त हुनजी लेफ्ट थींदियूं आहिनि असांजो जेको लॉन्ग ग्रेन 86 जेको सिंध जो राइस आहे उहो सफ़र तक़रीबन ईंदो आहे असांजो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जिते असांखे जेको घणो चेक न हूंदो आहे पर हुनजे बावजूदि हाणे असांखे रिसेंटली हिन वक़्तु हिकिड़ो वॾो चैलेंज साम्हूं आयो आहे ऐं उहो आहे असां वटि बासमती में बासमती असांजो टोटल बैन थियो आहे यूरोप लाइ छो तो उनमें जीएमओ एफ्लोटॉक्सिन जो इशू अची वो उनकी वजह मॉइस्चर आसानी क्वालिटी के तदें ही परचेज किया जैसे अस इंटरनेशनल मार्केट में कोई बो सेलर न हों तो मजबूरन सब बाहर अस तरफ लड़ा सो जैसे अवेलेबिलिटी बेन मुल्क की होंगी जारी गाल रेट मिलों अपॉर्चुनिटी मिली पंजाब ए सिंध के चावर की छाकाणि त मंडी बाहुद्दीन जो हाफ़िज़ाबाद जो चांवर ॿुधायो वञे थो तमामु हाई क्वालिटी चांवर हूंदो आहे ऐं असांजे मुक़ाबले में हुननि जो चांवर इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी एक्सेप्टेबल हूंदो आहे साईं ॾिसो राइस त असांजो किंग ऑफ राइस आहे बासमती जी जेका वैरायटी आहे या लॉन्ग ग्रेन 1112 जेका असांजी को वैरायटी आहे वैरायटी सही शानदार आहिनि ॾाढियूं ऐं उन्हनि जी जेका उते एक्सेप्टेंस आहे उहो बि तमामु घणी आहे पर ॾिसो लेफ्ट जे अंदरि जेकॾहिं को पेस्टिसाइड्स जो को साइड इफेक्ट आहे त उहो जेकॾहिं अवेलेबल आहे हुन में चांवर जे अंदरि त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असांजो फेलियर थींदो असां उते एक्सपोर्ट न करे सघंदासीं न त इहो असांखे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खे पंजाब खे सिंध खे ऐं फेडरल गवर्नमेंट जेका पॉलिसी मेकिंग करणी पवंदी त असां हिन पेस्टिसाइड जेका असरात आहिनि उन्हनि खे कीअं घटि घटाए सघिजे कीअं उन्हनि जो असरु चांवर ते घटि कजे त तॾहिं ई वञी एक्सेप्टेंस थींदी उते इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेंस खे मीट करण जे लाइ असांखे पंहिंजी लेफ्ट ते कंट्रोल करिणो पवंदो ठीक साईं वॾी महिरबानी तुनियो साहिबु तव्हां असांखे जॉइन कयो नाज़रीन असद रितुनियो जनरल सेक्रेटरी हुआ सिंध बलूचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन जा हुननि प्रॉब्लम्स जेके ॿुधाया आहिनि वरी संगीन हुन चवंदा 10-12 साल खां हुननि चवण त ज़रात खातो असां सां राब्ते में ई न आहे ऐं हुननि खे का परवाह ई न आहे त राइस खे हुननि बिल्कुलु यतीम ॿार जा छॾे ॾिनो आहे घिटीअ में रुलण जे लाइ
ऐं पोइ जेकॾहिं उहो पाण कुझु कनि था त ठीकु आहे, जेकर नथा कनि त केरु रेस्क्यू थियण लाइ तयारु कोन्हे। ऐं इंडियन जी मार्केट जो जीअं चांवर आयो आहे त पाकिस्तान जो मार्केट जो जेको चांवर आहे उहो लॻभॻि बंदि थी वियो आहे सिंध जो ख़ासि तौर ते। ऐं इहो ॿुधाईंदा त यूरोप में बासमती चांवर असांजो बैन थी चुको आहे। हाणे अंदाज़ो लॻा थो यूरोप केॾी वॾी मार्केट आहे ऐं उते असांजो चांवर वञी कोन थो सघे। और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जेको थोरो घणो वेंदो हो उते बि हाणे प्रॉब्लम शुरू थिया आहिनि। हाणे जेकॾहिं किथे खुटी पियो दुनिया में किथे चांवर, पोइ असांजी मार्केट जी वैल्यू थींदी। हाणे उनजो सबबु उहो ॿुधाइनि पिया त ग़ैर मयारी ॿिज ऐं जेको पेस्टिसाइड दवाऊं आहिनि, ज़री दवाऊं आहिनि, उन्हनि जो हुजणु आहे। ऐं रेट वारो मसिलो त पंहिंजे ते आहे, पर हीउ जेको प्रोडक्शन ऐं क्वालिटी जो मसिलो आहे इहो सीरियस ऐं सीवियर आहे। हिन ते सिंध हुकूमत खे, ख़ासि तौर ज़रात खाते खे कुझु न कुझु कोशिशूं वठणु घुरिजनि, निंड मां उथणु घुरिजे। मोहसिन बबर खे जेको प्रोग्राम इजाज़त ॾींदा सदाई गॾु।